सांपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और अपनी दासी से कहा कि नीचे देख कर आओ किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धनलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के अक्षत हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी ने कहा सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसे रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि राजा मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा ने रानी से कहा हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जलाएगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई तो राजा रानी से बोला यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 125 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर था, वह हार निगल गया। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी का इल्जाम लग जाएगा। तब रानी बोली किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। और वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वे वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह सांपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसी कारण सांपदा देवी हमसे नाराज है। रानी बोली यदि सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आए। और उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी
मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सांपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गाठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सांपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। तब राजा बोले कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहां से बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले हमें तो वही ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। जब वहां पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी वह वापस दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की जारी आ गई और दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह किया और रानी ने सांपदा माता का उजमन किया। हलवे पूड़ी की रसोई बनाकर 16 ब्राह्मणी जमाई और 16 चीजें दी। हे सांपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना, और जैसे राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री सांपदा मात की जय। इस कहानी के बाद बिंदुदायक जी की कहानी कहनी चाहिए और सुननी चाहिए।